हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इसलिया आज मैं अडेनियम की सीडलिंग के लिए पॉटिंग मिक्स बना रही हूँ। मुझे सीडलिंग अभी रिपोर्ट तो नहीं करनी थी, लेकिन क्या हुआ, बिल्ली ने पूरा गमला ही गिरा दिया, तो सारी सीडलिंग देखिए इस तरह से बाहर आ गई। नहीं, जब भी मैं रिपोर्ट करती हूँ इनको पूरा रूट बॉल सहित उठा करके रिपोर्ट करती हूँ। अब देखते हैं उसमें कितना सर्वाइव होगा, कितना बचेगा कितना नहीं बचेगा। तो इनको मैं फटाफट आज ही रिपोर्ट कर लूँगी, ज़्यादा रखूँगी तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और कम से कम इसमें 50-70-80 सीडलिंग है, बाकी अभी मिट्टी में दबी हुई है पूरा। मतलब एक बड़ी सी बास्केट में मैंने लगा के रखे तो सारा उसने उल्टा कर दिया, पलटा दिया पूरा। तो ये देखिए, यहाँ मैंने लिया है कोकोपीट, राइस एस्क, सैंड और 20% सैंड मिट्टी, और ये नीम की खली 2-3 मुट्ठी मिला रही हूँ। साथ में मैंने लिया फंगीसाइड पाउडर और 10% इसमें कोकोपीट भी मिलाया है। और इस तरह से पॉटिंग मीडिया बना रही हूँ मैं। ये देखिए सारी चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। और मैंने इसे मिलाई किचन वेस्ट कंपोस्ट थोड़ी सी, और लीफ कंपोस्ट मिलाई है। वर्मी कंपोस्ट अभी तो नहीं मिलाया है, देखती हूँ अगर लगा कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मिलाऊंगी, नहीं तो रहने दूँगी, क्योंकि लीफ कंपोस्ट मैंने इसमें मिला दी है। तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत छोटे प्लांट हैं, सिर्फ 1 महीने की सीडलिंग है। और मुझे कम से कम 2-2.5 महीने में इनको रिपोर्ट करना था, लेकिन अभी ये सब ख़राब कर दिया है उसने। तो ये देखिए जल्दी से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी सीडलिंग है जो पूरी बिखर गई है बिल्कुल, और इस तरह से देखिए 1-1 महीने की सीडलिंग है, और इस तरह से रूटिंग बहुत अच्छी है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही थी, पर बिल्ली ने सारा ख़राब कर दिया। तो इन्हीं को मैं लगाने वाली हूँ। तो ये देखिए ये 4-4 इंच के पॉली बैग में, लगभग 3 इंच के पॉली बैग हैं, तो इन्हीं को मैं भर लिया मैंने, और पॉटिंग में लिया। मैंने आपको बता दिया किस तरह से मैंने तैयार किया है। तो ये देखिए, और बस बीच में होल करेंगे हम, और इसको बस थोड़ा सा लगा देंगे यहाँ पर। ये देखिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। और वैसे तो अभी मैं 1 महीना कम से कम इसको नहीं रिपोर्ट करती, 1-2 महीना कम से कम अच्छी थोड़ा हेल्दी हो जाने देते तब हम इसको रिपोर्ट करते। लेकिन देखिए अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हमको इसको लगाना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा सीडलिंग भी उठाते हैं, तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, जल्दी ही मतलब फिर से ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, मैं वैसे रिपोर्ट करती ना तो पूरा रूट बॉल से निकाल करके रिपोर्ट करती हूँ, तो प्लांट हमारे डिस्टर्ब नहीं होते और बहुत जल्दी से ग्रोथ भी शुरू कर देते हैं नई। तो इनकी थोड़ी सी अब डिस्टर्बेंस तो हो ही गया है, तो 1 महीने इनको फिर से न्यू ग्रोथ करने में लग जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हम साइड से रखते जाएंगे लगा लगा के। और इनके लिए पॉली बैग भी थोड़े बड़े हैं, मैं सोच रही थी छोटा मिले पर छोटा नहीं था मेरे पास, तो अब इसी में हम लगाते हैं। बाद में आगे चल के बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा ये, लेकिन अभी के लिए फिलहाल थोड़ा सा बड़ा साइज है ये। तो जो इससे पहले मैंने 3 महीने की सीडलिंग रिपोर्ट की थी, इससे छोटे पॉली बैग में लगाया था उनको, क्योंकि उस समय अवेलेबल थे। अभी मंगाए मैंने तो ये बहुत बड़े बड़े से हैं, मतलब बहुत तो बड़े नहीं हैं लेकिन थोड़े से बड़े हैं। तो देखिए ये पॉलीथिन पुराने ही हैं, और इन्हें मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, नर्सरी से ही मैं लेकर आई हूँ, और इन्हें मैं जल्दी जल्दी से लगा देंगे ताकि ये लगा कर फटाफट से। फिर अगर आपकी सीडलिंग तैयार है तो आप अभी रिपोर्ट कर सकते हैं, रिपोर्टिंग के लिए अच्छा टाइम है, पर कम से कम 2 महीने की सीडलिंग को रिपोर्ट करिएगा, इतनी छोटी मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है ख़राब हो जाए। और थोड़ा रूट बॉल को बिना डिस्टर्ब किए कीजिएगा। मेरे कई सारे वीडियोज़ हैं, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं कि मैं किस तरह से रिपोर्ट करती हूँ, पर इस बार थोड़ी सी अलग ही प्रॉब्लम हो गई। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ सारे इसी तरह से। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, लगाने के बाद आप इनको छाया में ही रखिएगा कुछ टाइम तक, और थोड़ा सा ताकि जल्दी ग्रोथ अपना नई शुरू कर दें। इतने छोटे सीडलिंग हैं कि पूरे दब जा रहे हैं लगाने में ही। देखिए इस तरह से, इतने छोटे छोटे से सीडलिंग। चलिए हम लगा लेते हैं पूरा, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए इतने प्लांट मैंने रिपोर्ट किए, और पता नहीं गिने तो नहीं मैंने कितने हैं, तो 2 बास्केट में भर के मैंने रखे हैं। इनको अभी थोड़ा छाया में रखना पड़ेगा क्योंकि रूट्स पूरी ओपन हो गई है, और 1 बास्केट ये भरी हुई है, और इसमें 4, 4, 8, 4, 12 प्लांट इसके अंदर हैं। यहाँ पर देखिए मैंने काफ़ी सारे प्लांट लगा दिए, थोड़ा चौड़ा सा ग्रो बैग था और मैंने इस पर लगा दिया, क्योंकि इतने सारे छोटे छोटे से सीडलिंग थे, कुछ अभी तो कुछ सीड्स ग्रो भी हो रहे थे, और बिल्ली ने पूरे प्लांट ख़राब कर दिए। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे से ग्रो बैग हैं, एकदम छोटे छोटे से, लगभग 2-2 इंच के हैं, और चौड़ाई भी बहुत कम है इनमें। इनमें लगे थे ये वाले प्लांट, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाले प्लांट लगे हुए थे,
इतने छोटे छोटे से ग्रो बैग में। तो मैंने इनको निकाल करके, इनमें से निकाल करके इनको बड़े ग्रो बैग में लगा दिया सभी को। ये देखिए कितने प्लांट होंगे, लगभग 6, 7, 8, 9, 10 प्लांट। 10 प्लांट मैंने बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिए और जो छोटे छोटे ग्रो बैग में लगे हुए थे उनमें निकाल करके मैंने सीडलिंग लगा दी है। तो ये सारी सीडलिंग हमने रिपोर्ट कर ली। पॉटिंग मीडिया इतना मतलब फिट साइज का बना था, मतलब मुझे लगा था काफ़ी सारा बच जाएगा क्योंकि मैंने ढेर सारा इतनी हाइट पे ऊंचाई पे बनाया हुआ था, पर सारा पॉटिंग मिक्स ख़त्म हो गया और इतने सारे प्लांट भी हमने रिपोर्ट कर लिए। इनकी अभी रिपोर्टिंग करना नहीं था मुझे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आज बिल्ली की वजह से मेरी सीडलिंग भी रिपोर्ट हो गई। और जितनी जल्दी रिपोर्ट वैसे कर लें उतनी अच्छी है, क्योंकि अभी जो मौसम है थोड़ा बारिश भी बीच बीच में कभी कभी हो जाती है, और अभी जितनी जल्दी रिपोर्टिंग हम कर लेते हैं उतनी अच्छी इनकी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी नए जगह में जा कर के, मतलब थोड़ा बड़े उसमें, और अलग अलग इनको एक स्पेस मिल गई है जिससे ये बहुत अच्छे से बढ़ेंगे। अब हम इनको पानी, आज तो मैं सोच रही हूँ दूँ या ना दूँ, आज मैं रहने दूँगी पानी, इसको कल पानी दूँगी या तो फिर शाम को दूँगी। अभी 3-4 घंटे मैं इनको सेट होने दूँगी इसी में, और शाम को मैं या तो फंगिसाइड वाला पानी दे दूँगी या तो कल बड़े ही सवेरे मिला करके दे दूँगी। तो सेम तुरंत तुरंत पानी नहीं देना रहता है, वैसे ये सीडलिंग थोड़ी खुल गई है तो दे भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर मैं अभी अब शाम को दूँगी, अभी नहीं दूँगी। अभी बहुत सारा काम मेरा फैल गया, पूरे घर का काम आज मेरा पड़ा रह गया इसके चक्कर में, और अंदर बैठ करके मैंने ये काम किया तो मेरा पूरा घर भी पूरा गंदा हो गया है और बहुत ज़्यादा काम मेरा पड़ गया बाहर से लेकर अंदर तक। कुछ ग्रो बैग जो थे नर्सरी से लेकर के आई थी मैं, एक बोरी भर के लेकर के आई थी, तो उनको भी मुझे समेटने पड़े क्योंकि छोटे छोटे मैंने उसमें से छांट के इनको लगाया है। तो ये देखिए हमारी जो सीडलिंग है वो रिपोर्ट हो गई है, और अब इनको मैं कहाँ रखूँ मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। तो बस फ्रेंड्स, आप 1 महीने की तो नहीं लेकिन 1.5-2 महीने की सीडलिंग को रिपोर्ट कर सकते हैं। मेरी सीडलिंग सिर्फ 1 महीने की थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि पता नहीं ये अच्छे सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं, पर जिस तरह से मैंने इसको रिपोर्ट किया है अच्छे से चल जाएंगे। अभी कम से कम 3-4 दिन मैं इनको छाया में रखूँगी, उसके बाद मैं इनको ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दूँगी जहाँ 2-3 घंटे की सुबह की धूप भी आए। तो 3rd फ्लोर ही ऑप्शन है, वहाँ पर थोड़ा सा मैंने साड़ी का कवर बनाया हुआ है, वहीं ले जाकर कहीं पर शिफ्ट कर दूँगी जहाँ छन करके धूप आएगी और ये अच्छे से ग्रो भी होते रहेंगे। तो 3-4 दिन थोड़ा रूट सेट करने में टाइम लगेगा, तब तक छाया में ही रखूँगी क्योंकि धूप अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ है इस समय। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।